जारी है और चिंता की बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में आकर मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत में भी कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इससे मरने वाले भी। दुनिया की बात करें तो अब भारत चौथे पायदान पर है। सबसे ऊपर अमरीका है, फिर ब्राजील, फिर रूस और फिर भारत। लेकिन एक देश ऐसा है जिसने इस बीमारी को हराने में कामयाबी हासिल की है, एक छोटा सा देश, उसका नाम है न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड ने ये कमाल कैसे किया? इसी हफ्ते न्यूजीलैंड अब लेवल 1, जो 4-tier अलर्ट सिस्टम का सबसे निचले दर्जे का लेवल है, उस पर चला गया है। नए नियमों के मुताबिक अब सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, पब्लिक गैदरिंग पर कोई रोक नहीं है, लेकिन विदेशियों के लिए सीमाएँ बंद हैं। न्यूजीलैंड में बीते 2 हफ्ते से ज्यादा समय से कोरोना वायरस का कोई भी नया मामला नहीं आया है। वहां की प्रधानमंत्री का कहना है कि जब उन्हें इस बारे में खबर मिली तो उन्होंने थोड़ा सा डांस करके अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यूजीलैंड ने ये कामयाबी कैसे हासिल की? इस देश ने 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लगाया था, जो एक नया 4-stage अलर्ट सिस्टम है, और ये सीधा लेवल 4 पर गया। इस दौरान सारे कारोबार बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। 5 हफ्तों के बाद अप्रैल के महीने में इसका लेवल 3 आया, जिसमें टेक अवे फूड शॉप और कुछ जरूरी सामानों की दुकानें खोल दी गईं। नए नियमों के मुताबिक स्कूल और वर्कप्लेस अब खोले जा सकते हैं। शादी ब्याह और अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर लोगों के जुटने पर अब कोई रोक नहीं है और सार्वजनिक परिवहन पर लगी पाबंदियां भी हटा ली गई हैं। लेकिन देश की सीमाएं विदेशी सैलानियों के लिए बंद रखी जाएंगी। इसके अलावा विदेश से आने वाले न्यूजीलैंड वासियों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रहना होगा। न्यूजीलैंड में अब तक 1154 मामले दर्ज किए गए और इस बीमारी से वहां केवल 22 लोग मारे गए हैं, जो एक बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। वहां ये वायरस सबसे पहले फरवरी के अंत में पहुंचा था, लेकिन संकट को संभालने के उसके तौर तरीकों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।